त्रेता युग में भगवान श्री राम के मित्र निषाद राज की मित्रता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है वनवास के दौरान भगवान राम को निषाद राज ने अपनी नाव से गंगा पार कराई थी, और जब भगवान 14 साल बाद वनवास खत्म करके अयोध्या आए थे तो उन्होंने अपने पुराने मित्र निषाद राज को याद रखा, उन्हें अपने राज्याभिषेक समारोह का निमंत्रण भी भेजा। लेकिन कलयुग में कहानी अलग है, सत्ता मिलते ही निषाद राज पीछे हो गए और उनके नाम पर सत्ता में आने वाले मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आगे आ गए। सीएम योगी के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में संजय निषाद की आरती होती दिख रही है। संजय निषाद सोफे पर किसी संत की तरह बैठे हुए हैं, गले में फूलों की माला है और पार्टी का एक कार्यकर्ता उनकी ऐसी आरती कर रहा है जैसे मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धा से जो नाम पुकारे, भव सागर में डर ना लागे, भव सागर में डर ना लागे। वहीं बगल में निषाद राज की तस्वीर रखी है, जिस तस्वीर पर ना ही कोई माला चढ़ी है और ना ही कोई आरती कर रहा है। वीडियो बुधवार यानी गुरु पूर्णिमा के दिन का है। आरती करने वाला कार्यकर्ता संजय निषाद को अपना गुरु मानता है, जिस वजह से वो गुरु पूर्णिमा के दिन आरती कर रहा है। लेकिन पास ही रखी निषाद राज की तस्वीर ये साफ तौर से कह रही है कि कलयुग में सिर्फ पद की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।